जो भी तेरे चरणों में आता शेरा वाली माता, मन की मुरादें लेके जाता शेरा वाली माता, जगदम्बे जन कल्याणी तू, दुख भंजन सुखदाई तू, तू जननी तू भाग्य विदाता शेरा वाली माता। लेपर्ड टू कोबरा, कोबरा टू लेपर्ड, टारगेट सीन, एक चुड़िया, दो सेकंड्स, ईगल टू कोबरा, कोबरा टू ईगल, टारगेट सीन, दो चुड़िया, टारगेट सीन, बाय मेरी, ओके, ओके। दो सेकंड में ओह नो फाइनल काउंटडाउन 3, 2, 1 अटैक एटीज 2 मिनट 40 सेकंड ये ऑपरेशन 2 मिनट 30 सेकंड का था लेकिन सर आपने हमें गलत इंफॉर्मेशन दी थी सर आपने कहा था कि टारगेट पहले कमरे में होगा लेकिन आप तो दूसरे कमरे में थे तुम्हारे ख्याल से दुश्मन एक ही जगह पर बैठा रहेगा ताकि जब तुम उसे मारने जाओ उसे ढूंढने में तुम्हें कोई तकलीफ ना हो लेकिन सर हमें क्या पता था कि आप आखिरी लम्हे पे अपना प्लान बदल देंगे इसलिए कि तुम अपने दिमाग से सोच रहे थे याद रखो हमेशा जब दुश्मन के पीछे जाओ
तो दुश्मन के दिमाग से सोचो, ये सोचो इस वक्त वो क्या सोच रहा होगा, तो दुश्मन तुम्हारे सामने होगा। यू आर राइट सर। एक बात और, रणवीर, सलीम और करण, तुम तीनों इस ट्रेनिंग कैंप के बेहतरीन कमांडोज हो। तुम में कमांडोज के तीन गुण हैं, हौसला, हिम्मत और होशियारी, लेकिन एक गुण की कमी है, जिम्मेदारी। तुम्हें मालूम है तुम पर देश की रक्षा की जिम्मेदारी आने वाली है। तुम लोगों को वो काम करने हैं जो दूसरे नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हें वक्त की कीमत को समझना होगा। तुम्हें याद रखना होगा कि जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पल का समय होता है, वो एक पल जो ट्रिगर दबने और गोली लगने के बीच होता है, बस वही एक पल, एक पल तुम्हारा होता है। कोई शक? नो सर। अगली बार आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर। इस बार हम 2 मिनट और 20 सेकंड में पहुंच जाएंगे सर। गुड, मुझे पूरी उम्मीद है। नाउ डिसमिस। बस मौका मिला और शुरू। अबे ये जो शराब है ना, ये सलीम, अगर तूने मेरी शराब के बारे में कुछ बोला ना तो मैं तुझे कोर्ट मार्शल कर दूंगा, समझा? लगता है इसके मरने के बाद इसके मुंह में गंगा जल की बजाय 2-3 बूंद शराब की टपकानी पड़ेगी। सही बात है। प्लीज ऐसे ही करना ताकि मेरी लाश नाचते झूमते हुए शमशान घाट तक पहुंच जाए। ले तू भी एक सिगरेट। अपनी जान लड़की चाहिए जवान, जिसके गाल हो गुलाबी, जिसकी चाल हो शराबी, जिसकी सूरत हो किताबी, लिख के खत जो जवाबी। चकई कचक दुम, चकई कचक दुम, चकई कचक दुम। मरने का अंदाज अलग है, जीने का अंदाज अलग। सुर एक है, ताल एक है, राग अलग है, साज अलग। जब भी की है हमने की है यारों काम की बातें, आजा कुड़िये छैती, आजा सज जाएंगी रातें। हाँ हाँ सज जाएंगी रातें, ओए होए सज जाएंगी रातें। कोई लैला हमें भी जरा देखे, हम भी रखते हैं दिल औलाद का। कोई सोनी हमें भी प्यार कर ले, हिस्सा दे देंगे हम जायदाद का।
वतन है कर्म वतन, आन वतन है शान वतन, ईमान वतन है जान वतन, वतन है शान वतन, आन वतन है शान वतन, ईमान वतन है जान वतन, आन वतन है यार वतन है प्यार वतन, वतन है कर्म वतन, जाए वतन पे अपनी जान हम किस पे कुर्बान, जाए वतन पे अपनी जान हम किस पे कुर्बान, 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 हम बहादुर जवानों, तुम्हें देश के दुश्मनों से लड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। आज उस ट्रेनिंग के इम्तिहान का वक्त है, मगर आज का दुश्मन कोई विदेशी नहीं, वो हमारे देश में छुपे हुए हमारे जैसे लोग हैं जो हथियार और नशीली दवाइयां स्मगल करके लाते हैं। आज हम एक ऐसे ही आस्तीन के अंदर छुपे हुए सांप का सर कुचलेंगे। हमारी इस मिशन का नाम होगा ऑपरेशन फते 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 फते।
खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। किसी देशद्रोही की मौत आती है तो वो मेजर आनंद से टकराता है। साहब मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो साहब। इन पेटियों में करोड़ों का माल है, इन पेटियों में करोड़ों का गोला भर दो, आप लेके जाइए। लेकिन मैं सौगंद खाकर कहता हूं, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। हरामजादे, मैं तेरी सारी हिस्ट्री पढ़ चुका हूं। तुझ जैसा बेरहम और मक्कार धरती पर नहीं। मैं जहरीले सांप पर भरोसा कर सकता हूं मगर तुझ पर नहीं। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। आप मुझे जिंदा रहने दीजिए। मैं अपनी पूरी की पूरी जिंदगी देश सेवा में लगा दूंगा। प्लीज मुझे जिंदा रहने दीजिए, प्लीज। मेरी फिक्र मत करो, जाओ मिशन कंप्लीट करो, जाओ। यार, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इन हालात में मेजर साहब से क्या बोलेंगे। तुम लोग ही कुछ बोलना। ये जाएगा? मैं नहीं आ सकता, मैं नहीं जाऊंगा। तू दारू पी के बहुत बकबक करता ना, तू जा। हाँ लो, मैंने दारू थोड़ी पी है यार। अरे यार, तू तो जानता है मेजर साहब के सामने दारू पीकर जाओ तो वैसे ही दारू का नशा उतर जाता है। देख तू ही जाना। थैंक यू सिस्टर। वेलकम। आओ चलो। अरे वहीं खड़े रहोगे या फूल दोगे भी? कम ऑन माय बॉय, कम ऑन, स्माइल मैन। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग मेजर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। हाउ आर यू? आई एम ऑलराइट। ये इतने सारे फूल? हाँ, ये बच्चे लाए, आज मेरा जन्मदिन है। ओह, मुझे भी फूल लाना चाहिए था। ये मुझसे भूल हो गई कि आपके लिए मैं बैसाखी लेकर आया हूँ। जरा इसके सहारे चलकर तो देखिए। डॉक्टर, इस बैसाखी की मुझे जरूरत नहीं, ये किसी बेसहारा को दीजिए। मेरे सहारे के लिए मेरे 3 मजबूत कंधे मौजूद हैं। ओह, ये मेरे दोस्त भी हैं, साथी भी और शागिर्द भी। कम ऑन बच्चों, उठाओ मुझे। Ah, 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 ah,
सर, सर सुना है आप बंबई जा रहे हैं? हाँ, टांग कट जाए तो क्या, सफर खत्म नहीं होता, ना ही सफर का मकसद खत्म होता है। जगह बदल जाएगी मगर जंग जारी रहेगी। माइल बॉयज। अरे मुन्ना, तू यहाँ क्या कर रहा है? स्कूल नहीं गया आज? कैसे जाता, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। अरे रे 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 रे, आपकी गाड़ी खराब हो गई है? अरे इसका तो पहिया निकल गया। बैठो। देखो सेठ, ये गाड़ी जल्दी नहीं बनेगी, 2-3 दिन लगेंगे सेठ। तो फिर स्कूल कैसे जाऊंगा? हाँ तो फिर स्कूल कैसे जाएंगे आप? हाँ, मैं आपको अपनी जीप में छोड़ाऊंगा। थैंक यू। अरे वेलकम सन। अच्छा सुनो, आज आपकी आपा नहीं आई, क्या बात है? हा? नहीं आई तो अच्छा है, आते ही डांटेगी। क्यों डांटेगी? क्योंकि मैं यहाँ हूँ। तो मेरी शिकायत हो रही है। अरे क्या हो गया? आपा आ गई। आपा आ गई? अरे नहीं सारा, मुन्ना तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, कह रहा था कि आपा बहुत अच्छी है। क्यों? आपने इसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। अरे सर तो इसे मैं शाम को चढ़ाऊंगा, जब मेरा मुन्ना कप लेके आएगा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैंने हिसाब देख लिया है, सारे बिल भी चढ़ा दिए हैं, जोड़ में कुछ गड़बड़ थी वो भी ठीक कर दी है। सायरा बहन, इसी तरह तुम काम संभालती रही और खाना खिलाती रही ना, तो मेरा बिजनेस तो जरूर बढ़ जाएगा, लेकिन साथ साथ मेरा पेट भी। खुदा करे आप दिन रात तरक्की करें। एक बेसहारा लड़की और एक मासूम यतीम बच्चे पर आपने जो एहसान किया है, खुदा उसका बदला जरूर देगा। तुम जैसी बहन जो देगी। चलिए चलिए सारे बच्चों, चलिए अंदर। ए मुन्ना, शाम को दोस्तों में मत खेलते रहना, हाँ? गेट पर खड़े रहना, वरना आपा नाराज हो जाएगी। चल पारी दे। स्माइल। बाय बाय बाय। ठंडा मीठा आइसक्रीम। मैं आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम। हाँ। अच्छा बेटा, ए हाँ ले। ए दूध वाला, मलाई वाला, ठंडा मीठा आइसक्रीम। आज स्वतंत्रता दिवस के इस शुभ अवसर पर हमारे माननीय अतिथि इस क्षेत्र के कारपोरेटर श्री विकास राव पाटिल स्कूल स्पोर्ट्स डे का प्रारंभ करते हैं। ऑन योर मार्क सेट गो। जान, मेरे मुन्ने को क्या हो गया? कुछ बोलता भी नहीं, आगे खुल के मुझे देखा तक नहीं। भैया, मुन्ना, मेरे भैया, आगे खोल। तू मुझे अब मामा की तरह अकेला छोड़ के नहीं जा सकता भैया, नहीं जा सकता। प्लीज इसे आराम करने दीजिए, घबराइए मत, अभी ये खतरे से बाहर है। इसे नशीली दवा दी गई थी। क्या? नशीली दवा? जी हाँ, हेरोइन चरस गांजा का धंधा करने वाले खाने पीने की चीजों में नशीली दवाओं को मिलाकर इन मासूम बच्चों को नशे का आदि बना देना चाहते हैं। अपने घरों में दौलत का उजाला करने के लिए इस देश के भविष्य को अंधकार में बना देना चाहते हैं। मगर ये लोग स्कूल के अंदर तक कैसे पहुंच सकते हैं? स्कूल के बाहर तक तो पहुंच सकते हैं। अरे
मुन्ने का आइसक्रीम तूने खाया इतना? हाँ? देखा? खा? ले बाजार जा, ले बाजार जा कब तू? हाँ साले, आइसक्रीम में नशीली दवा मिला था, बोल क्या मिलाया था? बोल क्या मिलाया था इसमें बोल? अरे बताइए तो साहब, हम सब कुछ बताइए, बताइए साहब, बताइए, अरे माफ कर दो साहब, हम आपसे पाव पड़ी थी, अरे साहब हम इन चंपतपुरी में बहुत जलील काम किया साहब, हम बहुत जुलुम किया है, सगाए मार के लिया छोड़ो, अरे बोली थी, बोल, बताइए से साहब, साहब पहले हम बहुत बढ़िया आइसक्रीम बनावत रहे, पर सारे गुंडे लोग आए के हमारे अमृत मां चेहर घोल दिया साहब, हम उनको बहुत समझाया साहब, तो उन लोगों ने हमको बहुत मारा, बहुत पीटा साहब। कौन थे वो लोग? कौन थे? अरे साहब बताइए साहब, वो बाबलिया के गुंडे लोग थे साहब, बाबलिया के गुंडे लोग। हाँ बाबलिया, वो सारी बस्ती का राजा है साहब, राजा, तो पुलिस वाले उसको तलाब मारते साहब। अगर आपका कानून इतना कमजोर है कि जुर्म को रोकने के बदले तमाशाई बनकर मुजरिमों के भयानक खेल देखता है, अगर आपकी पुलिस के सैकड़ों सिपाही एक गुंडे को रोक नहीं सकते, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो क्या फायदा इस पुलिस स्टेशन का और क्या फायदा आप जैसे पुलिस अफसरों का? क्यों सरकार का पैसा बर्बाद करें आप लोग? हैं क्या पियेंगे आप मेजर साहब? चाय क्या ठंडा? देखिए मैं यहाँ चाय या ठंडा पीने नहीं आया, मैं यहाँ बाबलिया के खिलाफ रिपोर्ट करने आया हूँ। मैं सुना आप एक एक गाली में सुना मेजर साहब। मैंने कोई गाली नहीं दी। गाली दिया अपना मेजर साहब, मैंने मेरे कानों से सुना। आप पुलिस को कमजोर बोले, मजबूर बोले, तमाशा वाला बोले, छक्का भी बोले। मेरा मतलब ये नहीं था। आप मेरे को मतलब मत बताओ, मेरे से मतलब की बात सुनो आप। ये कानून जो है ना, गुंडे लोगों के हाथों में मजबूर नहीं है, कानून खुद के हाथों में मजबूर है, खुद से मजबूर है। नहीं समझे आप? आप फिल्म मुगले आजम देखे ना? क्या मतलब? ये बाबलिया जैसे मुजरिम लोग आए ना, ये अनारकली जैसे हैं। अब इस अनारकली को हम जिंदा दीवार में दफन तो कर सकते हैं, लेकिन इस दीवार को बनाने के लिए ईंट चूना पत्थर तो आप ही लोग हमको देंगे ना, मतलब के गवाह सबूत, वो तो हमारे को नहीं मिलेगा ना। ये बस्ती वाले हराम के बाबलिया से डरते, एक भी मां का कोर्ट में खड़ा होके उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा। अब मुंह कोई बाटली का ढक्कन तो है नहीं कि ओपनर लगाया और खुल गया, समझे आप? तो फिर मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा कुछ करेंगे तो वो भी कानून शिकनी होएंगी ना, फिर तुम में और गुंडों में फर्क क्या रहेगा? इसका मतलब ये है कि बस्ती में चाहे कुछ भी हो आप कुछ नहीं करेंगे? करेंगे बाबा, काहे को नहीं करेंगे। आप एक मजबूत गवाह मेरे पास लेके आएंगे ना, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। समझ गया। मेरे को मालूम है आप समझ गए। बाबलिया, तोड़ दो साले के गैराज को, तोड़ दो। उस लंगड़े से कह देना अगली बार सामान नहीं हड्डियां टूटेंगी। और एक बात याद रखना, अगर इस बस्ती में रहना है तो एक बात कभी नहीं भूलना, बल्कि दूसरों को भी याद कराते रहना कि मौत का नया नाम है बाबलिया। क्या मौत का नया नाम है बाबलिया? बाबलिया, बाबलिया। अरे अरे कहाँ जा रहे हो? देखो मेरा डीआईजी साहब से मिलना बहुत जरूरी है। साहब का आराम करना भी जरूरी है, वो अभी भी दफ्तर से आए हैं। अगर कानून और कानून के रखवाले आराम करने लगे तो गरीब इंसाफ मांगने किसके दरवाजे पर जाएंगे?
हवलदार आने दो इन्हें। चलिए। कौन हो तुम? एक रिटायर्ड फौजी। एक पुलिस ऑफिसर से एक फौजी को क्या काम हो सकता है? एक सवाल पूछ सकता हूं डीआईजी साहब? पूछिए। एक फौज के सिपाही का फर्ज क्या है? देश की रक्षा करना। क्या एक ऐसा फौजी देश की रक्षा कर सकता है जिसके अपने घर की रक्षा करने वाला कोई ना हो? मैं समझा नहीं। डीआईजी साहब, जिस तरह एक फौज के सिपाही का फर्ज है देश की रक्षा करना, उसी तरह एक पुलिस के सिपाही का फर्ज है देशवासियों की हिफाजत करना। अगर पुलिस अपना फर्ज भूल जाए, अगर पहरेदार लूटने लगे, भरोसा देने वाला धोखा देने लगे और बचाने वाला मारने लगे। फौजी, एक पुलिस ऑफिसर की बेइज्जती करने का नतीजा जानते हो? बेइज्जती मैं नहीं, आप लोग कर रहे हैं डीआईजी साहब। इस वर्दी की जो आप लोगों के शरीर पर है, उस अथॉरिटी की जो बैज बनकर आप लोगों के सीने पर लगी हुई है, उतार कर फेंक दीजिए इस वर्दी को, फेंक दीजिए, क्योंकि जनता की सुरक्षा का ये निशान अपनी इज्जत खो चुका है। शट अप! तुम पूरी पुलिस फोर्स पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, और वो भी एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर के सामने। मैं ये इल्जाम साबित कर सकता हूँ। और अगर तुम साबित नहीं कर सके तो मैं अपनी वर्दी की कसम खाता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। और जो कुछ मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखने के बाद ना आपको कुछ सुनने की जरूरत होगी और ना ही मुझे कुछ कहने की। सामने से हट जा बंगले, शायद तू जानता नहीं कि मौत का नया नाम है बाबिया। इसीलिए तू भाग रहा था। अरे तुझ जैसे देश के दुश्मनों की मौत का पुराना नाम है मेजर आनंद। बाबलिया भाग गया। भाग कर जाएगा कहां? सम्राट, साले दो गले हरमजादे, दोस्ती करके विश्वासघात करता। ताऊ भौंकना बंद कर, आराम से बोल, क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया, बोल। तेरा मेरा अग्रीमेंट हुआ था कि आधा शहर तेरा आधा शहर मेरा, मैं तेरे इलाके में धंधा नहीं करूंगा और तू मेरे इलाके में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी तेरे आदमियों ने मेरे अड्डों पर कब्जा किया। मेरे आदमियों को क्यों मारा? क्यों मारा मेरे आदमियों को, बोल। मेरे हुक्म से मारा ताऊ। तेरे हुकुम से? हाँ, हमने एग्रीमेंट कैंसिल कर दिया और हमारे आदमी ने तेरे धंधे पर कब्जा कर लिया, जैसे एक बड़ा देश छोटे देश पर कब्जा करता है वैसे। ओ, तू बड़ा नटखट हो गया रे मुन्ना, लेकिन तूने अभी तक ताऊ की दुश्मनी को चखा नहीं, समझा? इस धंधे में जितने दिन तुझे गुजारे नहीं हुए उतने साल गुजारे मैंने,
क्या? हाँ, इस बार तेरा पाला किसी छक्के के साथ नहीं पड़ा मेरे बच्चे। हाँ, छील के रख दूंगा, छील के। तू हमको छीलेगा? हाँ मुन्ना। चींटी पहाड़ से टकराएगी, चूहा शेर पर हमला करेगा। पहले जाकर किसी टूटे हुए शीशे में अपना सड़ा हुआ थोबड़ा देख, अपने बदबू भरे कपड़े देख। तू हमारे सामने खड़ा रहने के काबिल? हम राजा है राजा, काली दुनिया का बेताज बादशाह। हमारी शक्ल देख, हमारे कपड़े देख, तू हमारे सामने खड़ा रह पाएगा? माधव मामला आइडा होशियार, महाराजा राजाधिराज सिंहासन पर पधार रहे हैं। राजी बजाए का राजा आए? हमको तो पहले अंदेशा था कि तुम एक ना एक दिन पागलों के बेताज बादशाह जरूर बनोगे, इसलिए हम ये थोड़े से सैनिक ले आए। अरे ए अपनी शक्ल दिखाई दियो नौटंकी की औलाद को, दिखाओ साला। क्यों रे? साला हम समझते थे तेरे पर कपड़े नहीं है, शक्ल नहीं है, तेरे पर तो अकल भी नहीं है। आए। जरा देख अपने आदमियों के पीछे देख। नहीं, नहीं। अब ताली ऐसे नहीं, ऐसे बजाना। कर क्यों खड़ा है? जशन मना? अब इस शहर में ऐसा कोई नहीं बचा जो सम्राट के साथ नजर मिलाकर बात कर सके। अभी भी ऐसे दो दुश्मन बचे हैं सम्राट। कौन है वो? एक डीआईजी और एक फौजी, जिसके बयान पर डीआईजी ने हमारे गोडाउन पर छापा मारा और हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया। अरे जिसने हाथियों को मसल डाला है उसको चूंटियां ज्यादा देर तक तकलीफ नहीं दे सकती। एक काम कर बाबले, तू अंदर चला जा, जेल में चला जा, ताकि उसके बाद जो भी कुछ हो उसका इल्जाम तेरे सर पे ना आए। मतलब उसके बाद क्या होगा? ट्रांसफर डीआईजी का किसी और शहर में और फौजी का ऊपर। हेलो मिस्टर गिल। यस सर। मिस्टर गिल आप फॉरन गुवाहाटी के लिए रवाना हो जाएं। मगर मैं इस वक्त वहां सर। वो होम मिनिस्ट्री से खास रिकमेंडेशन आई है, देयर आर सीरियस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, रिपोर्ट इमीडिएटली एंड टेक द चार्ज। ओके सर।
लंगड़ा है जो इस बस्ती में हमारा धंधा बंद करवा रहा है? जी सम्राट। मैंने समझा था कोई शेर होगा, मजा आएगा शिकार करने का, लेकिन ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वो भी लंगड़ा। मगर मरेगा तू, मरेगा तू। मरने से तो तू बच गया था, जरा अपने कमजोर दिमाग पर जोर डाल, अपनी मौत खुद पहचान लेगा। साला कमाल हो गया, मां कसम ये तो कमाल हो गया। मैंने गोली मारी थी फिर भी जिंदा, बिल्कुल जैसा पहले था, थोड़ा सा लंगड़ा हो गया बस। अरे मुंह दिखाने के काबिल तो मैंने तुझे नहीं छोड़ा। ठीक बोलता है तू, मैं जब भी शीशे में अपना जला हुआ मुंह देखता हूं तुझे हमेशा याद करता हूं। अपन ने जरूर भुलचुक में कोई पुण्य का काम किया होगा कि आज तू मुझे मिल गया, आज हिसाब बराबर करूंगा। ये तेरी दूसरी टांग तोड़कर लकड़ी की गाड़ी में बिठाकर मैं तुझसे भीख मंगवाऊंगा। भीख मांगता हुआ तू कैसा लगेगा रे? उससे क्या भीख मंगवाएगा जिसके सामने हाथ फैलाकर तूने अपनी जान की भीख मांगी थी। याद है, यही वो पैर है जिस पर तूने अपना सर रखा था। काट डालो साले की इकलौती टांग, अबाइश बना दो साले को। अभी हम मेजर भाई के साथ जाके खाना खाएंगे, क्यों? मेजर चाचा, मेजर चाचा। बचपन में ही मेरे माँ बाप गुजर गए, मगर मुझे अनाथ होने का कभी एहसास नहीं हुआ। आज पहली बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं अनाथ हो गया।
वो हाथ जिन्होंने मुझे सहारा दिया छिन गए। आज मेरा सब कुछ लूट गया, सब कुछ। नहीं करण, नहीं। मेजर साहब जैसे लोग मरते नहीं बल्कि हमेशा जिंदा रहते हैं। मेजर साहब हम सबके दिलों में जिंदा हैं। हमारी आंखें उन्हें देख सकती हैं, हमारे कान उनकी आवाज सुन सकते हैं, उनके गीत, उनकी बातें, सब कुछ जिंदा है, सब कुछ। बड़े अच्छे आदमी थे ना मेजर साहब, एक टांग पर दो टांग से भी ज्यादा काम करते थे। मेरे को उनके मरने का बड़ा दुख हुआ है। वो मरे नहीं है, उन्हें मारा गया है। मालूम मेरे को, सब मालूम। मगर आपने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। किसको गिरफ्तार करूं, बोलो। उन्हीं को, और किसे? आप फिल्म मुगले आजम देखे क्या? क्या मतलब? ये मुजरिम लोग हैं ना, ये गुंडे, मवाली, बदमाश, ये सब अनारकली जैसे होते हैं। इस अनारकली को हम खानून की दीवार में जिंदा दफन तो कर सकते हैं, मगर दीवार के लिए मिट्टी, चूना, ईंट तो होना चाहिए ना, मतलब सबूत, गवाह। हाँ, वो हमारे को नहीं मिलते। बस्ती वाले हराम के सब डरते हैं, कोई भी कोर्ट में खड़ा होकर अपना मुंह नहीं खोलता। अब मुंह कोई बाटली का ढक्कन तो है नहीं कि ओपनर लगाया और खुल गया। आप सब समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसका मतलब यह है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। काय को नहीं कर सकते वो? एक मजबूत गवाह मेरे को मिल जाएगा ना, फिर देखो मैं क्या करता हूं। खैर, ये बताओ आप लोग क्या पियोगे, चाय के ठंडा? कुछ नहीं, हम फिर आएंगे। आना, हाँ आना। मगर आप हैं कौन भाई साहब? हमारा नाम है मुन्ना, यहाँ से बाहर निकलो। और अगर हम ना निकले तो? गोली मार दूंगा। ये क्या बदतमीजी है मुन्ना? अबा ये लोग चोर हैं। हम चोर नहीं मुन्ने मिया, मेजर साहब हमारे गुरु थे। मेरे चाचा थे मेजर चाचा। क्या मेजर साहब आपके रिश्तेदार थे? यही समझ लीजिए, वो मुझे बहन कहते थे, मगर मैं उन्हें रहमत का फरिश्ता समझती थी। क्या आप जानती हैं उनका खून किसने किया है? काश मुझे मालूम होता, मैं उस शैतान की जान ले लेती। क्या बस्ती में उनका कोई दुश्मन था? फरिश्तों के भी कोई दुश्मन हुआ करते हैं। क्या उनका झगड़ा हुआ था किसी से? उनका किसी बाबलिया नाम के गुंडे से झगड़ा हुआ था, मगर मैंने पता लगाया था कि जिस वक्त मेजर साहब का खून हुआ था बाबलिया जेल में था। इसका मतलब बाबलिया बेकसूर है। अजीब चक्कर है, किसी को कुछ पता नहीं। शायद पिंटो को कुछ मालूम हो। साहब एकदम फिट किक मार के देखो, अगर रॉकेट की तरह नहीं उड़े तो मेरा नाम एल्बर्ट पिंटो नहीं है। मारो किक, मारो मारो। हाँ।
तुम्हारा नाम पिंटो है ना? जी हाँ, पिंटो, अल्बर्ट पिंटो, जिसे गुस्सा कभी नहीं आता। ये मैकेनिक जिस हाथ गाड़ी को हाथ लगा दे मोटर गाड़ी बन के दौड़ जाती है। अरे पिंटो, तुम मेजर आनंद के गैरेज में काम करते थे ना? हाँ बिल्कुल करता था, इसीलिए तो गाड़ी चलता था। कौन मेजर आनंद? मैं नहीं जानता, मैं किसी मेजर आनंद को नहीं जानता। माँ कसम, अपुन किसी मेजर आनंद को नहीं जानता। तुम सब जानते हो, चलो मेरे साथ। नहीं, चलो। नहीं, नहीं नहीं, पुलिस वाले मेरा सारा नट बोल्ट ढीला कर देंगे। मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी मेजर आनंद को नहीं जानता। अरे पिंटो, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मेजर आनंद मेरे गुरु थे। मैं कातिल को ढूंढने आया हूँ, उसका पता लगाने आया हूँ। चलो गैरेज खुल गया है, चलो। क्या गैरेज खुल गया? हाँ, चलो। सच्ची? तो भी चलो पिंटो। हाँ? तुम्हें पता नहीं कि मेजर साहब का खून किसने किया है? नहीं साहब, वो टाइम पे अपन अस्पताल में था, भावलिया ने मार मार के अपना इंजन डाउन कर दिया था साहब। तुमने पता करने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की साहब, मैंने बस्ती के एक एक आदमी से पूछा, मगर उन सब के कार्बोरेटर में कचरा अटक गया है, कोई स्टार्ट ही नहीं लेता। हाँ अगर आप जाकर पूछे तो शायद कोई बता दे। क्या आप मेजर साहब को जानते थे? अयो जीबा, इस बस्ती में कौन है ऐसा आदमी जी जिसको हम नहीं जानता? फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि उनका खून किसने किया? क्या बात करते हो मियां, खूनी का पता होता तो क्या पुलिस को नहीं बता देता? क्या यहाँ मेजर साहब का कोई दुश्मन था? जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। इस बस्ती में जुबान खोलने की कीमत जानते हो? देखो ये, देखो ये मेरे इकलौते बेटे की तस्वीर है। इसने उन लोगों के खिलाफ आवाज ऊंची करने की कोशिश की थी, आज ना उसकी आवाज है और ना वो खुद है। आज तस्वीर बनकर इस दीवार पर लटका हुआ है। बाबू ये मेरी बहू है, देखो इसे बाबू, इसके हाथों में आज भी मेहंदी का रंग बाकी है, मगर इसकी जिंदगी में कोई रंग नहीं है बाबू, कोई रंग नहीं है। बाबू चले जाइए यहां से और हम बस्ती वालों पे रहम कीजिए। चले जाओ बाबू, चले जाओ, जाओ। जबान खोलने के लिए कोई तैयारी नहीं है साला? हम किसी से जबरदस्ती पूछ भी तो नहीं सकते। जी करता है हरामजादों को लाइन में खड़ा करके गोली छोड़ा दूं। गोली से जबान बंद हो जाती है रणवीर, खुलती नहीं। लगता है जबान खुलवाने के लिए अब कोई नया तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। Don't touch my chuneriya, Mohan Rasiya.
बुझा देना डियर। अच्छा तो सासी सातक सरगम बोल। सारे गामा पता नहीं सा सानी दापा मागा रे सा। महकती जुल्फे अब तो खोल। मिस्टर, बार बंद हो गया, आप जाओ। नए आए हो क्या? आए हो? अरे किधर आने की बात कर रही है तू? मेरे को इस धरती पर आए 27 साल हो गए, बस्ती में आए 4 दिन हो गए, बार में आए 2 घंटे हो गए, और तेरे दिल में नहीं, अभी तक तेरे दिल में नहीं आया हूँ ना, आने वाला हूँ। अपने दिल से दूर ही रहना, 440 का करंट मारता है। करंट? वाह, क्या बात कही है तूने, अपने लाइफ का फ्यूज बॉक्स ही उड़ा डाला। एक बात कहूं कि अलमोर रहता, अगर ये करंट इस करंट को मिल जाए ना तो अपने सारे बल्ब जल जाए। सच्चिया रियली? जिनका फ्यूज उड़ जाता है वो तुम्हारी तरह मस्ती नहीं करते। अरे ये मस्ती तो दुख को बुलाने के लिए है। जब से अपने फादर मरे हैं ना तो अपने लाइफ में अंधेरा ही छाया हुआ है। तू तो अपने फादर को जानती होगी, इसी बस्ती में रहते थे। मेजर आनंद। मैं किसी मेजर आनंद को नहीं जानती। अरे फिर तो तू ये भी नहीं जानती कि उनका खून किसने किया है, है ना? मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अरे फिर किसको मालूम? तुम सीआईडी वाले हो? जरा ऐसे बोलना, कहीं सीआईडी वालों ने सुन लिया ना तो डिपार्टमेंट की इंसल्ट के चार्ज में तुमको, मेरे को, आप उन दोनों को बंद कर देगी क्या? फिर हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ओफो, वो चल गई है। कुटी, इसे बाहर का रास्ता दिखाना। चाबी, अरे चल बे, रुक जा, जा रहा हूँ। अरे वापस आऊंगा दारू पीने के लिए। अच्छा तो वो तीनों उस लंगड़े के खूनी की तलाश में हैं। कोई भी बस्ती वाला मुंह खोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि दूसरे की मौत को देखकर अपनी जिंदगी से प्यार बढ़ जाता है। भाई, ब्रिजवासी ने भी हफ्ता देने से इनकार कर दिया। ब्रिजवासी? बाबलिया की हस्ती इस बस्ती में इतनी सस्ती नहीं कि ब्रिजवासी जैसे लोग अपनी औकात भूल जाए। उससे कहना कि कल बाबलिया ने उसको मुलाकात के लिए बुलाया है। भाई उन तीनों का क्या होगा? उन तीनों का? तू बस्ती में वापिस जा और अपने आदमियों से कहकर उन पर कड़ी नजर रखवा। उन्हें तो मैं बाहर आके बताऊंगा कि मौत का नया नाम। आपा आपा, देखो कितने सारे बिस्किट हैं, क्रीम वाले, मीठे वाले, लो लो आप भी खाओ। ये तो कहाँ से लेकर आया? सलीम भाई ने दिलाए। तू गैराज पर गया था? तूने उनसे खाने को मांगा? सलीम भाई, ये सब आपने दिलाए थे ना, हमने नहीं मांगे थे ना। जी हाँ, ये बिस्किट मैंने ही नहीं दिलाए। क्यों? मेजर आनंद के रिश्ते से क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं इस बच्चे को बिस्किट दिला सकूं? और ये सामान, इसे लाने का हक किसने दिया? ये मैं अपनी मर्जी से लाया हूँ। गरीबों के भूख का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए, भूख खुद एक इम्तिहान होती है। आप ये सामान ले जाइए और उन लोगों में बांट दीजिए जिनका सर अपने पेट के आगे झुक गया हो। कम से कम इस मुन्ने का तो ख्याल कीजिए।
जब से मेरी नौकरी छूटी है इसे भूखे सोने की आदत हो गई है, अब फाके से दिन काटने की भी आदत हो जाएगी। कहाँ नौकरी करती थी आप? मेजर साहब के पास, गैरेज का हिसाब, उनका खाना पीना सब मैं ही देखती थी। ला हौले विला कुव्वत, इतनी बातें हो गई और काम की बात आप अब बता रही हैं। मेजर साहब अकेले आदमी थे और अब हम हो गए हैं तीन आदमी, इसलिए आपकी तनख्वाह भी तीन गुना ज्यादा। मगर एक शर्त है, खाना अच्छा होना चाहिए। मगर आप? मगर वगर कुछ नहीं, आपकी नौकरी पक्की। क्यों मुन्ने मियां, पक्की ना? देख तेरा हीरो आ गया, देख देख। ओफो। क्या पियोगे? अभी बार बंद है, कुछ नहीं मिलेगा। अरे अरे इतना जुल्म मत कर जालिम, तुझे शैंपेन की कसम। शैंपेन नहीं है। शैंपेन नहीं, कोई बात नहीं, तुझे विस्की की कसम, थर्रे की कसम, सिर्फ एक। बोला ना कुछ नहीं मिलेगा। पाटली, चल जाने दे पाटली। तू ना, तू सिर्फ मेरी आंखों में आंखें एक बार डाल के देख, मुझे तीन पटियाले पैक का नशा चढ़ जाएगा, वो भी फ्री, फोकट में, विदाउट बिल। क्या लाली है तेरी आंखों में, केसर कस्तूरी की बोतल साली फांसी लेके मर जाए। ओफो, तुम जाते हो कि नहीं आते? ए मरिया, नया आशिक और पुराना शराबी कभी खुद नहीं जाते, ले जाए जाते हैं, उठाकर फेंक भी दिए जाते हैं। ऐसा क्या, तू ही मुझे उठाकर फेंक देना। अच्छा तो आंखें बंद करो, मैं तुम्हें अभी उठाती हूँ। अच्छा। गॉड, ऑलमाइटी गॉड, आज मैं तुझसे एक सवाल पूछने आया हूँ। गॉड, तू इतना मेहरबान है, रहम दिल है, फिर तेरे पुजारी इतने पत्थर दिल क्यों होते हैं? वो मरिया को देखो, मैंने उससे अपने सच्चे प्यार का इजहार किया और उसने मुझे खाली बोतल की तरह उस मोटी के हाथों बाहर से बाहर ही फिकवा दिया। गॉड, अगर मारिया ने मेरे प्यार का जवाब प्यार से नहीं दिया ना, तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, किसी टूटी कब्र में लेट जाऊंगा, आपके दरवाजे पे अपना सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। ये क्या कर रहे हो मारिया? तू तुमने अभी जो गॉड से बोला, क्या वो सच था? हाँ? क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल सच मारिया, दारू में तू दिखाई देती है, ग्लास में तू दिखाई देती है, सोडे में तू दिखाई देती है, चखने में तू दिखाई देती है, तेरी कसम, तेरे बार की कसम, इस दारू की बोतल की कसम। ओह गॉड। हे मारिया, ए ए ए, क्या हुआ? सत्या ना सोच दारू का, मुझे मेरे बाप ने बोला था बेवड़े लोग पर कभी विश्वास नहीं करना, नशे में कुछ और बोलते हैं और नशा उतरने के बाद और कुछ। अरे मैंने दारू पी ही नहीं, ये दारू नहीं पानी है, पानी। बाय गॉड, तुमने दारू नहीं पी? बाय गॉड। ए मारिया, ए मारिया। आओ मारिया, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है ना? करण से कोई प्राइवेट बात तो नहीं करनी? हाँ, हम आंख बंद कर लेते हैं, कुछ नहीं सुनेंगे। अरे यार, तुम लोग ही सब कहोगे, इसे भी कुछ कहने दोगे? क्या बात है मरिया? शाम को डैडी ने तुम्हें बुलाया है। डैडी ने? क्यों? उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? मुझे नहीं मालूम। ये क्या बात हुई यार? अरे बात हुई नहीं, अभी होने वाली है। शायद तेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए डैडी ने तुझे चाय पे बुलाया है। वाह 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 वाह, तुझे कॉमेडी सूझ रही है और यहाँ मैं नर्वस हो रहा हूँ। नर्वस होने की कोई बात नहीं है, हम दोनों तेरे साथ चल रहे हैं। हाँ, वैसे भी रिश्ता मांगने बच्चे नहीं बड़े जाया करते हैं। ओ
गॉड ब्लेस यू। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा होने वाला पति बिल्कुल तुम्हारे बाप की तरह है। शट अप, मैंने तुम दोनों को यहाँ किस लिए बुलाया था और यहाँ क्या हो रहा है? जो हो रहा है उसे होने दो, तुम्हारा काम तो हो गया। हाँ जी, आपके फादर ने करण को सन इन लॉ मान लिया। एग्जैक्टली, हमारा मारिया के वास्ते इससे अच्छा सन इन लॉ हमको नहीं मिल सकता। बधाई हो मारिया। ओह नो, पापा पापा, सलीम भाई अच्छी खबर लाए, शादी होने वाली है। शादी किसे? मारिया से। मारिया से? अगर मेरी बात झूठ लग रही है तो सलीम भाई से पूछ लो। क्यों सलीम भाई? आदाब। आदाब। हाँ मुन्ने मियाँ, शादी तो इसी तरह करनी चाहिए, चट मंगनी पट ब्याह। आपका क्या ख्याल है? मुबारक हो। अरे मुबारक बात तो करण को दीजिए, बहुत खुशकिस्मत है वो। मारिया खुद चल के कहने आई थी उसे। और एक हम हैं, ना हम लड़की से कह पाते हैं और ना लड़की हमसे। तो करण मारिया से शादी कर रहा है? जी, आप क्या समझी थी कि मैं मारिया से शादी कर रहा हूं? जी मैं क्यों समझूंगी कि आप अरे सारा क्या हुआ? मुझे कुछ भी तो नहीं। ये तो बुरी तरह चल गया है। अरे मुन्ना जरा सामने से बर्नौल तो ले जा। शाबाश। आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। परेशान होने की वजह है सायरा बेगम, अगर ये हाथ मेहंदी लगवाने के लिए राजी हो गए तो ये दाग अच्छे नहीं लगेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई बुरी बात तो नहीं कह रहा हूं मैं। इन हाथों ने मेहंदी के ख्वाब दिखना छोड़ दिए सलीम साहब। हम जैसी गरीब लड़कियों को ख्वाब रास नहीं आते, हमारे हाथ दुआ मांगने के लिए होते हैं, मेहंदी रचाने के लिए नहीं। हमें आंखें जरूर मिलती हैं मगर आंसू बहाने के लिए। उन पे काजल से गजलें नहीं लिखी जाती। मायूसियां तो पुरानी कब्रों की तरह होती हैं सायरा, उन पर बैठ के रोया तो जा सकता है लेकिन उनके किनारे बैठ के जिंदगी नहीं बिताई जा सकती। तुम्हें इस कब्रिस्तान से निकलना होगा सायरा, जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सलीम। सायरा। तुम जो बने हमारे हमारे।
निकाल कर बटन की जगह लगाई है क्या? दिखाई नहीं देता? अपन ये खोली खाली करा रहा है। खोली खाली कराना है? इसका क्या मतलब है? इधर अपन जुए का अड्डा बनाएंगा। क्या? जुए का अड्डा? कमाल है, ये लोग घर खाली करा के जुए का अड्डा बना रहे ले। और तुम लोग खामोश ऐसे खड़े हो जैसे इनकी बहन की शादी हो रही है। अबे बेवड़े, यहाँ कौन बोलेगा? अरे यार, जिसकी जुबान होगी वही बोलेगा ना यार। साले अपनी जुबान को संभाल, वरना सारे सामान के साथ गटर में मिलेगा क्या? साले। Thank you.
खाली कराने आए थे, जुए का अड्डा बनाने आए थे साला। हट, ए बड़े इधर आ, इधर आ। ब्रिजवासी आपता नहीं देता, मास्टर रूम खाली नहीं करता, बेवड़ा अपने आदमियों को पीटता है। मैं अंदर रहूं या बाहर, तुम लोग हमेशा मुझे बुरी खबर सुनाते रहना। अब मैं बाहर आ गया हूं, अब इन तीनों के लिए मैं ऐसा जाल बिछाऊंगा कि ये लोग खुद ब खुद चले आएंगे मेरे जाल में, क्योंकि ये लोग जानते नहीं शायद मौत का नया नाम। I'm
महल भी तुम्हारा है मरिया? ऐसा ही समझ लो। मरिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था, मेजर साहब के खूनियों को तलाश करना। लेकिन अब मुझे तुम्हारा प्यार भी मिल गया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। वाह 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 मजनू वाह, अब तेरी जिंदगी के दिन कितने बाकी हैं जो तू इस बेचारी के प्यार में गुजारने की सोच रहा है। मारिया अब तू जा, तेरा काम हो गया। मारिया तुम? तो तुझे मेजर के खूनी की तलाश है। पूरे बस्ती वाले जिस खूनी को देखकर जबान तक उसका नाम लाने की हिम्मत नहीं करते और उसे उसे एक चीख में तलाश कर रहे हैं। और मान ले कि मेजर का खून मैंने किया है। हाँ मैंने किया है, तो तू क्या कर लेगा रे? जानता नहीं, मौत का नया नाम है बाबलिया। मेजर साहब का खून तूने किया है? हाँ मेजर साहब का खून तूने किया है? फिर किसने किया? मुझे कुछ नहीं मालूम। किसने किया है? सम्राट ने। सम्राट कौन? हम सबका बॉस। कहाँ मिलेगा? मुझे कुछ नहीं मालूम। करण रुक जा, करण इसको मारने से कोई फायदा नहीं, ये कुत्ता हमें सम्राट का पता बताएगा। रणवीर ले चले से। बस्ती वालों, यही है ना वो जो अपने आप को कहता था कि मौत का नया नाम बबलिया है? देखो इस कुत्ते को, मौत को सामने देखकर कैसे डर रहा है साला। मुझे माफ कर दे कर, मुझे माफ कर दे। मुझसे ज्यादा तू इन लोगों का मुजरिम है, माफी इनसे मांग मांग। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। जल चल जल चल जल चल जल।
तुम्हें मेजर आनंद के खूनी को पकड़ने के लिए सबूत चाहिए था ना इंस्पेक्टर, यह है वो जिंदा सबूत। सबूत बोले तो ये तो बाबलिया। हाँ बाबलिया, वही कुत्ता जो शेर की खाल पहनकर बरसों से बस्ती वालों को डराता रहा। बस्ती वाले इसका वही अंजाम करना चाहते थे जो एक पागल कुत्ते का होता है, और इसे हमने बचा लिया ये सोच करके इसे जिंदा देखकर तुम्हारा मुर्दा कानून जाग उठे और तुम इंसाफ करने लगो। हाँ बराबर, अभी गवाह मिल गया ना, अभी इंसाफ होएगा, इसके साथ भी और तुम्हारे साथ भी। मैं इस हरामी से सब उगलवा के रहूंगा ना। इसकी कोई जरूरत नहीं, इससे हमने सब कुछ उगलवा लिया है। बोल मेजर का खून किसने किया? सम्राट। बहुत बड़ा काम किए ना आप लोग। अब देखो इस जुर्म की अनारकली को मैं कैसे जिंदा दीवार में चुनवा देता हूँ, और इसके साथ सम्राट को भी। हाँ सम्राट को भी। जी हाँ सम्राट को भी। कुछ देर पहले मैंने समझा कि मेरी तलाश पूरी हो गई है, मुझे वो लड़की मिल गई है जिसके प्यार की सच्चाई मेरे अंधेरों में रोशनी दे सके, एक धोखेबाज औरत के दिए हुए घाव की दवा बन सके। मगर तू, तू तो उससे भी बड़ी धोखेबाज निकली। मेरे प्यार के साथ साथ मेरी जान का भी सौदा कर डाला तूने। तुझे तो बबलिया से भी ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। करण, ये क्या कर रहा है? इसने तो तेरी जान बचाई है। इसने? हाँ इसने, अगर ये खबर ना देती तो हम तेरी जान बचाने कैसे पहुंचते? अब तक तो मर चुका होता। बाबलिया ने इसके बाप को पकड़कर इसे ऐसा करने पे मजबूर किया। बारिया, we'll be right back.
मैना गिन तो सपेरा देता क्या फेरे शादी के बाबले हा? अरे मेरे दोस्त से क्या हालत हो गई तेरी? किसने मारा तुझे? किसने मेरे वफादार आदमी पर हाथ उठाया? ये क्या हालत हो गई बाबले तेरी? बस्ती वालों ने अनजाने में हमला कर दिया, इसलिए जख्मी हो गया। बस्ती वाले? जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकड़ों की ये हिम्मत हो गई कि तुझ पर हाथ उठाया? उन्हीं तीनों बदमाशों ने बस्ती वालों को भड़काया था। क्यों? वो पूछना चाहते थे कि मेजर का खूनी कौन है। फिर तूने क्या बताया है? मेरे दोस्त, मेरा नाम तो नहीं बताया ना? नहीं सम्राट, नहीं। हाँ, बाबले अपनी जान दे सकता है लेकिन अपने सम्राट से गद्दारी नहीं कर सकता। आई शपथ। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मगर वो कोई कह रहा था कि तूने मेरा नाम लिया था। कौन कह रहा था? ए बाबलिया, बयान बदलना बहुत बड़ा जुर्म है, समझा क्या? इधर बोलता है कि कुछ नहीं बताया और उधर सोप के सामने क्या बोला कि मेजर आनंद का खून सम्राट ने किया है? हराम के? नहीं सम्राट, नहीं। ये कुत्ता झूठ बोला सम्राट, ये कुत्ता झूठ बोला है। झूठ ये नहीं, झूठ तू बोल रहा है। पर अब तूने मुझ पर खून का इल्जाम तो लगा ही दिया है, तो फिर खून एक हो या दो क्या फर्क पड़ता है? मुझे माफ कर दे सम्राट, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे सम्राट, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे सम्राट। माफी ऊपर वाले से मांग बाबले, उसको आदत है माफ कर देने की। नहीं। गुड बाय बाबले। गुड बाय। जवान, आज का अखबार पढ़े तुम? फ्रंट पेज पे क्या न्यूज है? इंस्पेक्टर दोषी के बहादुरी की न्यूज है कि नहीं? कायकू, डिपार्टमेंट ने मेरे को तरक्की दी है ना? मेरी बहादुरी और ईमानदारी के वास्ते मेरे को तरक्की दी है ना? लो तुम भी पेड़ा खाओ। तुम लोग भी ईमानदारी से लगन से काम करेंगे तो डिपार्टमेंट तुम लोगों को भी तरक्की देगा ना?
सबको तरक्की देगा। लो तुम भी लो। क्यों, बाबलिया की मौत की खुशी में या सबूत को मिटाने की खुशी में तुम ये पेड़े बांट रहे हो? क्या बात कर रहे हैं, मेरी तरक्की हुई है ना, तरक्की। तरक्की तरक्की तेरी जब होती जब बाबलिया कोर्ट में खड़ा होकर सम्राट के खिलाफ बयान देता, तब तेरा डिपार्टमेंट ही नहीं बल्कि सारी जनता तेरी तरक्की पे खुश होती। देखो बाबलिया, बाबलिया हवालात से भाग रहा था, मैंने अपना फर्ज निभाया और उसको उसको गोली मार दी। फर्ज? जब मासूम बच्चों को नशीली दवाई दी जा रही थी तब तूने अपना फर्ज निभाया? जब बाबलिया बस्ती वालों को डरा रहा था तब तूने अपना फर्ज निभाया? जब सम्राट ने मेजर साहब का खून कर दिया तब तूने अपना फर्ज निभाया? देखो तुम, हम नहीं, अब तुम देखोगे दोषी। बस्ती वाले किस तरह सम्राट के खिलाफ कोर्ट में गवाही देते हैं। जनता का मुंह खोलने के लिए ओपनर की जरूरत नहीं होती है दोषी, उनकी हिफाजत की जरूरत होती है, हिफाजत की। अब तुम देखना हम जुर्म की अनारकली को कानून की दीवार में कैसे जिंदा चुनवा देते हैं। हेलो, मेरे को सम्राट से बात करने की है। होल्ड ऑन सम्राट, दोषी। हाँ बोलो दोषी, क्या बात है? बात फोन पर बताने की नहीं है सम्राट, मेरे को आपसे मिलना बहुत जरूरी है। जरूरी है तो हम भी मिलेंगे। एक काम करो, मेरे ओशी वाला प्लॉट पे आ जाओ। एक पुलिस ऑफिसर होकर इस तरह चौंक पड़े हो जैसे चोर पकड़े जाने पे चौंकता है, क्या बात है दोषी? बात यह है सर कि आपको देख को मैं हैरान इसलिए हो गया था कि आपका ट्रांसफर हो गया था ना सर। मेरा ट्रांसफर उस जगह नहीं हुआ था। नहीं नहीं, जहां से कोई वापस नहीं आता। मैं तुम्हारे एरिया में फिर आ गया हूँ दोषी। ऐसा क्या? सर आप जैसे अफसरान हुए तो हम लोगों को कुछ करने का चांस ही नहीं रहता। काम तो बहुत है दोषी जी। पहला काम ये करो। बोलो सर। बाबलिया की फाइल मुझे दे दो। बाबलिया की फाइल सर? हाँ, मैं अभी पढ़ी रहा था। लीजिए सर। पर क्या देखेंगे आप इसमें? उन लोगों के चेहरे जो बाबलिया के पीछे छिपे हैं। ऐसे क्या परेशानी है दोषी जो मुझसे अकेले में मिलना चाहता था? परेशानी बोले तो परेशानी परेशानी है, आपके वास्ते भी और मेरी नौकरी के वास्ते भी। वो तीनों फौजी हराम के बस्ती वालों के साथ मेरे थाने में आए थे और मेरे थाने में आके मेरे को गाली दी, मेरे को बोले कि मैं मुजरिमों का बदमाशों का साथी हूँ। मेरे में ज़रा भी शराफत होती ना सम्राट तो मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरता। और बस्ती वाले भी हराम के कुछ कम नहीं है, चिल्ला चिल्ला को आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही देने को बोले। ये तो हुई आपकी परेशानी, और मेरे को है डीआईजी गिल की परेशानी। वो हराम का भी वापस आ गया है और आते ही मेजर के मर्डर की फाइल लेकर गया। बहुत बड़ा बेवकूफ है दोषी, अदालत के अंदर फाइल नहीं गवाह बोलते हैं, और बस्ती वाले जब उन तीनों की लाश देखेंगे तो उनकी आवाज उनके गले में ही बंद हो जाएगी। और बाकी रही तेरी परेशानी गिल, उसकी तो मैं ऐसी जगह ट्रांसफर करवाऊंगा जहां से वो कभी वापस नहीं आएगा। और बाकी बात रही उन तीनों की, उन्होंने मुझे जंगल से शहर तक भगाया है, मैं उनको शहर से जंगल तक भगाऊंगा, दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा सामान को। ये बैंडरा कोट कौन सी बस जाएगी? बांद्रा को चार नंबर का बस जाता है, चार नंबर का। ए भाई साहब, लाइन इधर से चालू होता है, तुम लोग उधर जाओ, हम कब से खड़ा है। हाँ।
नाराज क्यों होते भाई? नाराज नहीं होता है, जाओ नहीं। सिरिन डार्लिंग અહીંયા આવતી રહે, પારકા માણસો પાસે ઊભો નહીં રહેવાનું, નહીં તો ડાયવોર્સ થઈ જશે તો આટલા છોકરાઓને કા મૂકીશું? અહીંયા અહીંયા ચાલ, જો બસ આવી છે આપણી, હોય છોકરાઓ નહીં ચડી જશે, હોરી નહીં તો પછી ગડબડ થઈ જશે, કઈ માલમ નહીં પાડશે કે છોકરું રહી ગયું કે આપણે રહી ગયા, હોરીયા ચાલ 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 જલ્દી કરા। તીન આદમી, તીન આદમી, તને આદમી કી જગ્યા નહીં બાબા, તીન આદમી કી જગ્યા નહીં, તો આદમી તો એક હી હૈ, બાકી એક ઓરટ હૈ, બાકી સબ બચ્ચા લોગ હૈ, ચલો ચલો જલ્દી કરા। નહીં બાબા, ચલો પીછે વાળા તીન આ જાઓ, पीछे वाला टीन आ जाओ, चलो पीछे वाला टीन आ जाओ, चलो। कमाल का आदमी है, आगे वाला टीन क्यों नहीं समझता क्या है आपने आपको? मैं पहले सिरिन तेरे को बोला कि हर डेढ़ साल के अंदर बच्चा पैदा मत कर, मगर तू मानती नहीं ना, हर डेढ़ साल के अंदर बच्चा, देखो बस के अंदर जगह नहीं मिलता है, अर्जुन तेने तो टन जोइए छे, साली मानती नहीं ना। तुम मान जाओ ना बाबाजी, बच्चा अकेला सिरिन ने तो पैदा नहीं किया ना? नहीं नहीं, हम दोनों ने मिलकर पैदा किया है, तुम्हारा मदद नहीं मांगा। दादागिरी करता है साला, उल देता है गुंडा कहीं का, साला खुद बच्चे जैसा है, हमको बच्चा पैदा करने को सिखाता है, समझते क्या है? दादागिरी करता है। अरे जाओ देनी फिरोज, जाओ देनी फिरोज, तुम सुपर बनो, हमारा नाम फिरोज है, फिरोज जाओ देनी फिरोज, हमारे मोहल्ले के अंदर आओ। ए भाई, अपनी टिकट कहाँ है? तुम लोगों की टिकट तो पहले कट चुके बच्चों। ये क्या बदतमीजी? बदतमीजी नहीं बच्चों, तुम लोग गलत बस में आए हो, ये बस कोर्ट नहीं सम्राट के घर जाएगी, सम्राट के घर। चूहा, कीड़ा और मकोड़ा, पूरी की पूरी फौज यहां पर आ गई है। हिलो मत, हिलो मत, ये लोहा है, ऐसे टूटेगा नहीं, हिल मत। याद है, याद है उस दिन जब तुम जंगल में मंगल किए हुए थे और मैं कुत्ते की तरफ भाग रहा था, आज तुम अपनी जान बचाने के लिए कुत्ते की तरफ भागोगे। खैर, आज तुम लोग यहां पर पहली बार आए हो, ये बताओ कैसा लगा सम्राट का राजमहल? सम्राट, तुम हंस हंस के बात करते हो और तवायफ भी ऐसे ही बात करती है, तुम में और तवायफ में कोई फर्क नहीं, बस यहां तबलची कुछ ज्यादा है और वैसे तुम्हारा ये कोठा भी काफी अच्छा है। तवायफों की तरह तेरी हंसी भी बहुत अच्छी है। वो इसलिए अच्छी लग रही है क्योंकि उसमें तुम्हें मौत की गूंज नहीं सुनाई दे रही। जिनकी जवानी मौत के धमाकों में पली हो, अगर उनसे तुम ये उम्मीद रखते हो कि मौत की गूंज से डर जाएंगे, तो तुम बहुत बेवकूफ इंसान हो सम्राट। सम्राट, तुम अपना मुजरा शुरू रखो, हम तुम्हारी हर अदा को बड़े प्यार से देखेंगे, क्यों सलीम? लगता है अब राग रागिनी की बात छेड़नी ही पड़ेगी। मेरे तबलचियों, जरा इनके बदन के ढोलक पे राग सम्राट का ठेका लगाओ, तुम भी बजाओ, तू भी बजा, बजाओ। मृदंग बाजे तेरी किति धम, तेरी किति धम धाता, मृदंग बाजे तेरी किति धम, तेरी किति धम धाता, तनक तनक धम, तनक तनक धम, मुंह पे दे दे, पेट में दे दे, टांग तोड़ साले की, टांग तोड़ साले की, बाया ठो 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 ठो, टांग तोड़ साले की, दाया घीस 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 घीस, टांग तोड़ साले की, टांग तोड़ साले की, टांग तोड़ साले की। Hello, Samrat. My friend, welcome to India. Mujra band. Samrat, humne pura maal, matlab, hula barood, machine guns, rifles, hand grenades, revolvers, jitna bhi tum bola tha, wo sab machuaro ki basti mein humne pahuncha diya hai. Mr. Samrat, tumne itna gola barood mangaya, kya tum is desh mein war karega? Yes. मेजर आनंद के मरने के बाद इन कमांडोस के पीछे पड़ते ही मैंने सोच लिया था कि अब एक ऐसा लश्कर तैयार करना चाहिए जिसके पास इस देश की आर्मी और पुलिस से भी ज्यादा खतरनाक हथियार हो, और ये काम अब पूरा हो जाएगा।
सिपाही हो, कमांडो, तुम्हें दुश्मन का शिकार करने के हर गुर सिखाए गए हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक नया गुर सिखाऊंगा, शिकार करने का नहीं, शिकार होने का, शिकार बनने का। जरा सोचो, मौत तुम्हारे पीछे है और तुम तीनों भाग रहे हो। उल्टा लटका दिया है, उल्टा मारा है साले को। डोंट वरी, आई विल फ्री यू, आई विल फ्री यू। हेलो, मच्छरों की बस्ती में माल आ चुका है, उसे सम्राट के गोडाउन तक पहुंचाना है। मामूली काम है ना, हम तो इस दुनिया का माल उस दुनिया में पहुंचा देंगे। आपके लिए एक तोहफा है। तकल्लुफ कर रहे हैं ना आप। खैर, अब आप लाए हैं तो मैं ले लेता।
अबे देखो भाई, देखो तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं ना। एक पुलिस ऑफिसर को मारेंगे तो बहुत बड़ा जुर्म होएगा ना तुम लोग। अच्छा हुआ तू वर्दी पहन कर नहीं आया, नहीं तो तेरी पिटाई करने में वाकई दुश्वारी होती। अरे नहीं सलीम, नहीं, इस जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर को मारना अच्छी बात नहीं है, जिसने बाबलिया जैसे मुजरिम को अपनी गोली का निशाना बनाया। अरे बाबलिया ने कोर्ट में सम्राट के खिलाफ गवाही नहीं दी तो क्या हुआ? मैं पहले बोला था ना कि कोई मजबूत गवाह लेके आओ, फिर देखो मैं जुन के अनारकली को जिंदा कब्र में चुनवा दूंगा, बोला था ना। आज तक तूने बेबस मजबूरों को जुर्म की अनारकली दिखाई ना, आज हम तुझे शोले का गब्बर सिंह दिखाते हैं। बोल सम्राट का माल कहाँ है? नहीं, नहीं, मेरे बता सम्राट का माल कहाँ है? तेरी तो डॉलरों से भरा हुआ ये बैग। कौन से देश की नौकरी करता है गद्दार, जहां तुझे डॉलरों में तनख्वाह मिलती है? बोल। ये डॉलर्स मेरे नहीं है। फिर किसके हैं? मेरे को नहीं मालूम। ये तेरा माल नहीं है? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं उसे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सम्राट का माल कहाँ है? नहीं मालूम। बोल। नहीं मालूम तुझे? कानून नहीं मालूम? पुलिस की जिम्मेदारी क्या है ये नहीं मालूम? सम्राट का माल किधर है तुझे नहीं मालूम? अगर तुझे कुछ नहीं मालूम तो तुझे जीने का कोई हक नहीं। दुनिया मेरी
बॉस, शिकार यहाँ पे नहीं है। कोई बात नहीं, बस्ती वाले को उठा कर लेकर आओ। जब दाना अपने पास होगा तो चिड़िया चुगने खुद ब खुद आएगी। पीएजी साहब, ये पुलिस डिपार्टमेंट का वो सड़ा हुआ हिस्सा है जिसे अगर आपने बदन से काट कर फेंक नहीं दिया तो सारा बदन जहर से भर जाएगा। आपके डिपार्टमेंट ने इसे जनता की सेवा और हिफाजत के लिए रखा था और इसने हिफाजत की है मुजरिमों की, देशद्रोहियों की। इसे हम भी सजा दे सकते थे लेकिन हमने सीखा है देश के खातिर खून बहाना और देश के कानून की इज्जत करना। ये सब झूठ है सर, सब शराब। झूठ क्या है सच क्या है ये सब मैं जानता हूँ। तुम्हारी सारी रिपोर्ट मेरे पास है दोषी। तुम डिपार्टमेंट के नाम पर एक बदनुमा धब्बा हो। जिस दिन तुम्हारी ये वर्दी उतर गई ना, उस दिन वही लोग जिनके लिए तुमने अपना ईमान और फर्ज बेचा है कुत्ते की तरह तुम्हारी बोटी बोटी नोच डालेंगे। यू आर अंडर अरेस्ट। गिरफ्तार कर लो इसे। दोषी, तूने जुर्म की अनारकली को कानून की दीवार में नहीं चुनवाया लेकिन अब तू उस दीवार में चुनवा दिया जाएगा। तेरी मुगले आजम अब खत्म हो चुकी है दोषी। नहीं, 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 नहीं। ये पिस्तौल मुझे दे दो। नहीं, नहीं। दोषी पागल मत बनो, ये पिस्तौल मुझे दे दो। खबरदार, खबरदार। क्या हुआ? सम्राट के आदमियों ने सब बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? हाँ? किसने किया ये? पिंटू, अभी इसमें जान बाकी है, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जा। मुन्ना, बस्ती वालों को उठा ले गए, उनको उनको बचा लेना। मुन्ना, 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 सलीम, मेरा मुन्ना घर पे नहीं है। फिक्र मत करो सारा, सब ठीक हो जाएगा। हौसला रखो सारा, हौसला रखो।
कहां जा रहा है करण? छोड़ दो सलीम, मैं सम्राट को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे पागल हो गया है क्या? हिम्मत और हौसले के साथ दुश्मन से मुकाबला करने के लिए होशियारी भी जरूरी होती है। सम्राट कोई मामूली मुजरिम नहीं है और उस मुजरिम को पकड़ने के लिए हमें बहुत तैयारी करनी होगी। ये भूखे और नंगे लोग हमारे खिलाफ आवाज उठाएंगे हैं? बरसों से हमारी यही परंपरा रही है कि जनता कितनी भूखी और नंगी क्यों ना हो, वो अपने राजा बादशाह और सम्राटों के गुण गाती रही है। लेकिन तुम लोगों ने अपने सम्राट के खिलाफ आवाज उठाई और वो भी उस लंगड़े के लिए। क्या लगता था वो तुम्हारा? वो मेरे चाचा लगते थे। कितना प्यारा बच्चा है, बच्चे को मेरे पास ले। मेरे पास आ। कितना प्यारा बच्चा है, कितने गंदे कपड़े हैं। बेटा तुम्हारे फौजी अंकल तुम्हें बहुत प्यार करते थे। हाँ। अब तो वो नहीं रहे, अब तुम्हें कौन प्यार करता है? तीन फौजी अंकल ना, वो भी बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, कितना प्यार करते हैं? इतना। इतना प्यार करते हैं? हम भी तुम्हें उतना ही प्यार करेंगे। मैं जानता हूँ तुम लोगों ने अभी तक सब लाशें गिनी होंगी और गिन गिन कर थक गए होंगे। ये छोटी लाश भेज रहा हूँ, जब तक बड़े जानवर नहीं मिलते खरगोश का शिकारी सही। अगर तुम लोगों ने सूरज निकलने से पहले अपने आप को हमारे हवाले नहीं किया तो मेरी कैद में जितने भी आदमी है उनके साथ भी यही होगा। सम्राट सम्राट सम्राट, उनके स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। वो तो ठीक है, लेकिन सम्राट के बुलाए हुए तीन मेहमान अब तक क्यों नहीं आए? लगता है उनके लिए एक और टेलीग्राम भेजना पड़ेगा। वो दूसरा टेलीग्राम पेश करो। नहीं नहीं, छोड़ दे मेरे बच्चे को, छोड़ दे मेरे बच्चे को, मत ले जाओ मेरे बच्चे को, छोड़ दो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, मेरी जान ले ले, मगर मेरे बच्चे को छोड़ दे, मेरे बच्चे को छोड़ दे। अरे पागल, मैं तुझे मारूंगा तो बच्चा नहीं मरेगा, लेकिन बच्चे को मारूंगा तो तू मर जाएगी। यानी एक गोली दो निशाना। बंद कर दो, साड़ी का मुंह बहुत चिकती है, बंद कर दो। सम्राट के दरबार में सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। चीखना चिल्लाना रोना धोना उठना पटकना शोरगुल होना चाहिए। साली का मुंह खोल दो, चीखो चिल्लाओ, आहे भरो सिसकियां भरो।
आओ आओ। लेकिन दो ही क्यों? वो तीसरा कहाँ है रे? तुम्हारे आदमियों ने उसे मार डाला है। मार दिया इतनी आसानी से? हमें इतना मायूस मत करो, देखो हम तीन तक गिनेंगे, उसके अंदर अंदर वो तीसरा नहीं आया तो इन सब बच्चों की खोपड़ी में ये लोहा भर देंगे। एक, दो, तीन।
क्या होगा रणवीर? क्या रणवीर, हमने मेजर आनंद के खून का बदला ले लिया, और हमारा जो मकसद था कि बस्ती वालों को जुल्म के खिलाफ लड़ना सिखाएं, वो मकसद भी पूरा हो गया। अब मुझे अपने अंत की कोई परवाह नहीं। क्या बात कर रहा है रणवीर, अभी तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता। अभी तो हमें बहुत सी जंगें साथ लड़नी है पगले, तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता। दोस्त, जय हिंद। रणवीर नहीं। Hey,